अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुश आमदीद कहती हूँ आपको फॉरएवर ब्यूटी में। सो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी रेवलॉन हेयर कलर के बारे में कुछ रिव्यूज़, और उसको किस तरीके से अप्लाई करना है वो सारी डिटेल मैं आज आपको बताने वाली हूँ, और कौन सा नंबर आप यूज़ करेंगे तो कौन सा रिज़ल्ट आएगा, कौन सा कलर आएगा, वो सारी डिटेल आप जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आप लोग के सवाल आ रहे थे बहुत ज़्यादा कि रेवलॉन कलर किस तरीके से यूज़ करना है, और अगर वाइट हेयर्स होते हैं, ग्रे हेयर होते हैं, तो उसके लिए हम रेवलॉन कलर यूज़ कर सकते हैं या नहीं, तो इस पर रिव्यू दें। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है, मैं इस पर वीडियो बना ही देती हूँ कि अगर आपके बाल वाइट हो रहे हैं, रूट टचअप आप लोगों को करवाना होता है हर मंथ में या 15 डेज़ में, तो रेवलॉन बेस्ट है। और रेवलॉन भी पहले थोड़ा रीज़नेबल मिल जाता था, पर अभी भी रीज़नेबल है, बट अब थोड़ी इसकी चार्जेस जो है वो बढ़ा दी गई है। और ये इस तरीके से होता है, एक ये वाली बॉटल होती है इसकी, एक वाइट वाली होती है, इस तरह का पेपर होता है जिसमें हर चीज़ लिखी हुई होती है किस तरह अप्लाई करना है, दो ग्लव्स होते हैं, और साथ ही साथ एक कंडीशनर दिया जाता है इसके पैक में। तो अगर आपके वो कवरेज करनी है ग्रे हेयर्स की, तो आप ज़रूर इसे कर सकते हैं। बल्कि अगर आप अपने बालों को डाई करना चाहते हैं कलर कलर के, जिस तरह आप चाहें कि गोल्डन करना चाहें या कोई भी, तो आप वो इजीली इससे कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और ये आप जो है वो 550 का हो गया है, और बहुत आसानी से अप्लाई हो जाता है। दोनों को इक्वल क्वांटिटी में आपने मिक्स करना होता है, हाफ़ लगाना है तो हाफ़ लगाएं। ये वैसे डार्क ब्राउन है जो कि सिर्फ आपके बालों को ब्लैक लेकर आएगा, ब्लैक कलर देगा। आप कोई भी कलर यूज़ करना चाहें तो उस हिसाब से आप अपना नंबर लेके लगा सकते हैं, और बाल आपके वैसे कलर के हो जाएंगे। तो ये थी वीडियो, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।